नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैरी फैक्ट्स। आज मैं आपको एलिना कोनाडो साइकोपिया के जीवन परिचय से अवगत कराने वाला हूं। एलिना कोनाडो साइकोपिया, इनको हेलिना कोनाडो के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 5 जून 1646 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 26 जुलाई 1484 को हुई थी। आज इनका 373वां जन्मदिन है और इस उपलक्ष में गूगल ने अपने डूडल पर एलिना कोनाडो साइकोपिया का चित्र लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज गूगल ने उनको अपने डूडल पर स्थान देकर श्रद्धांजलि दी है। एलिना कोनाडो साइकोपिया मूल रूप से विनिशियन थी, अर्थात इनके पास इटली देश की राष्ट्रीयता थी। यह विनिशियन की महान दार्शनिक थी और ऐसा भी माना जाता है कि वह पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय से अपनी शैक्षिक डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा वह 1678 PhD डिग्री पूरी करने वाली विश्व की पहली महिला थी, अर्थात पूरे विश्व में सबसे पहले अपनी PhD पूरी करके डिग्री हासिल करने वाली विश्व की पहली महिला का नाम एलिना कोनाडो साइकोपिया था, जो विनिशियन थी अर्थात इटली देश की, जिन्होंने 1678 में अपनी PhD कर ली थी। एलिना कोनाडो साइकोपिया का प्रारंभिक जीवन। इनका जन्म वेनिस के पलाजो लॉर्डन नामक जगह पर 5 जून 1646 को हुआ था। इनका पिता का नाम जियान बेटिस्टा कोनाडो साइकोपिया था और इनकी माता का नाम जोनेटा बोनी था। यह अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। उनकी माता खेती की काम करती थी और जब एलिना कोनाडो साइकोपिया का जन्म हुआ था तब इनके माता पिता ने आपस में शादी नहीं की थी। चूँकि इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ के कानून के हिसाब से जन्म से एलिना को कोनाडो परिवार का सदस्य नहीं माना गया था। चूँकि उनकी माता जनता एक किसान थी, अर्थात आर्थिक रूप से वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह भुखमरी से बचने के लिए वेनिस चली गई और बहुत जल्दी ही वह राजवंश परिवार के सदस्य बन गई, क्योंकि 1654 में इनके पिता और माता ने आपस में शादी कर ली। एलिना कोनाडो साइकोपिया की शिक्षा। मसीहा के बारे में कार्थियन भिक्षु ने जो बताया था या लिखा था वह पहले स्पेनिश था, उपलब्ध था। उसे एलिना ने अनुवाद करके इटालियन भाषा में भी उपलब्ध करवाया। उन्होंने अपने इस संपूर्ण अनुवाद और मेहनत को अपने सबसे अधिक घनिष्ठ मित्र फादर जियानापोलो ओलिवा को समर्पित कर दिया, जो इनके कंफेसर भी थे। एलिना ने इस अनुवाद के 5 संस्करणों में संपूर्ण रूप से बताया या छापा और यह संस्करण 1669 और 1669 से 1672 में उपलब्ध करवाए गए। अपने इस काम के कारण उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी और उनकी विद्वानों के समाज में पहचान मिलने लगी और उनके आमंत्रण भी मिलने लगे। इसका उदाहरण हमें इस बात से देख सकते हैं कि उनको 1670 में विनिशियन समाज एकेडमी में पैसिफिक का प्रधान बनाया गया, अर्थात उनको इस संस्था का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उनको काफ़ी पुरस्कार भी प्राप्त हुए क्योंकि वह शायद उस समय इतना पढ़ने वाली पहली महिला होगी। उन्होंने विश्व में सबसे पहले PhD करने वाली पहली महिला के लिए अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम लगभग 7 शिक्षा और चैरिटी का नाम को समर्पित कर दिया और इनकी मृत्यु इटली के एक शहर पडुआ में 26 जुलाई 1484 को हुई थी। उनका याद में विश्वविद्यालय में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। धन्यवाद। अगर आप हमारे जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको यह इन्फॉर्मेशन भी पता चल सके।